महात्मा ज्योतिबा फुले, जो एक वक्त में काफी फेमस हुआ करते थे अपने उठाए गए कदमों को लेकर, समाज को लेकर, समाज में उन्होंने जो भी कदम उठाए उसको लेकर। ज्योतिबा फुले के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। महिलाओं और अछूतों के लिए जो स्कूल खोला गया उससे महात्मा ज्योतिबा फुले रातों रात जैसे फेमस हो गए, पर तब के दौर में उन लोगों की भी कमी नहीं थी जो ज्योतिबा फुले के उठाए गए ऐसे कदम के खिलाफ हो, जिनको उनके उठाए गए ये कदम स्कूल महिलाओं के लिए, छूतों के लिए, जो वो स्कूल खोला उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए उनको, उनके उत्थान को लेकर, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो ज्योतिबा फुले के ऐसे कदमों को पसंद करें, मतलब उनके खिलाफ उठने वाली आवाज भी कम नहीं थी तब के दौर में। खासकर उनकी कोशिश से समाज के निचले तबके में शिक्षा के प्रति बढ़ती दिलचस्पी तो काफी कम लोगों को ही तब के समय में रास आ रही थी। दूसरी तरफ ज्योतिबा अपने काम में लगे रहे और फेमस होते रहे, जिससे बौखलाए कुछ लोगों ने उनकी हत्या तक की प्लानिंग कर दी, उनकी उनको मार डालने तक की योजना बना डाली। और इसके लिए घोंडी राम और रौत्री नाम के दो शूद्रों को मना लिया, 1,000 रुपए पर हत्या का सौदा कर लिया गया। तब जो 1,000 का मूल्य आज की डेट में देखे तो वो करीब करीब 1 करोड़ की कीमत थी। 1,000 रुपए बराबर 1 करोड़ आज की डेट में। एक रात घोंडी राम और रौत्री ने चाकू लिया, ज्योतिबा फुले के घर आए, जिनकी आहट सुनकर ज्योतिबा और उनकी जो पत्नी है सावित्री, उनकी नींद खुल गई। दोनों अपने सामने हथियार लिए दो लोगों को जब पाया तो ज्योतिबा ने पूछा, कौन हो और क्या चाहते हो? घोंडी राम ने कहा कि वो उनकी हत्या के लिए आए हैं, जिस पर ज्योतिबा ने कहा कि मेरी जान लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि घर में एक कूटी कौड़ी तक नहीं है। घोंडी राम बोला, हमें इस काम के लिए 1,000 रुपए मिलेंगे। जिस पर ज्योतिबा फुले ने दोनों के आगे अपनी गर्दन करते हुए कहा कि मेरा तो जीवन ही अछूतों के कल्याण के लिए है। जान लेने दोनों लोग जो आए थे, दोनों उनकी हत्या के लिए जो आए थे, वो शर्म से भर गए और ज्योतिबा फुले के पैरों पर गिर गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको उठाया और उनमें से एक जब आगे चलकर उनमें से जो एक था वो उनका अंगरक्षक बन गया और दूसरा सत्य के लिए काम करने लगा। कुछ इस तरह से ज्योतिबा फुले ने उन दोनों के उन मन को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा ये चैनल।